चाहता हूँ कि आप लोगों तक वो बातें पहुँचे ऐसी कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि हिमाचल के हालात क्या है, आप उसे झुके हुए नहीं है, लेकिन आपको ये सोचना होगा कि आप इस हालात को आप बदल कैसे पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हालात बदलने चाहिए। हालात बदलेंगे कैसे, हालात बदलेगा कौन, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। बहुत आसान जवाब है, अगर आप चाहे तो यहाँ से तकरीबन 2015 में यहाँ पर कैंडिडेट को आम इंटरमीडिएट हारून उद्दीन ने उतारा, और जब यहाँ पर उद्दीन साहब आए और उन्होंने यहाँ का माहौल देखा, यहाँ की परेशानी देखी, तो उन्होंने यहाँ पर जनाब अख्तर उस्मान साहब से एक बात कही कि आप यहाँ पर 371 की स्टेटस के लिए लड़ाई शुरू कीजिए। ये उनकी एक सोच थी, वो उनकी फिक्र थी जो आप लोगों के लिए थी। आपको समझना चाहिए कि हमारा कैंडिडेट कैसा होना चाहिए। कैंडिडेट वो होते हैं, वो प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें आपकी समस्याओं का पता हो, जो आपकी समस्याओं के साथ रहते हो। अख्तर उस्मान साहब के बारे में अगर मैं आपसे कहूँ तो अख्तर उस्मान साहब यहाँ के बेटे हैं, आपके भाई है, या आपकी भी और बाहरी आदमी को यहाँ पर आने की जरूरत करें करवा पाएंगे, या ऐसे कैंडिडेट को लेके आएंगे जो आपके बीच का है, आपकी प्रॉब्लम समझता है, ना बड़ा सवाल के भाई है। वो आएगा कैसे, वो आएगा ऐसे कि 18 तारीख में जब आप यहाँ पर इलेक्शन चल रहा होगा तो आप अपने अपने बूथों पर जाएंगे, वहाँ पर अपना वोट देने जाएंगे, वो बटन आपके सामने वाला एक बटन दबाएंगे। उस बटन दबाने का मतलब सिर्फ बटन दबाना नहीं है, ये मन बटन दबाना वो है जो आपके उस पर सुनकर फैसला करेगा। यहाँ पर इससे पहले भी सांसद हुए हैं, जनाब मौलाना के बारे में अगर मैं कहूँ तो इज्जत एहतराम के साथ मैं कह रहा हूँ कि मौलाना शाहरूम इब्राहिम आपके बीच में नहीं है, लेकिन जाने से पहले चंद रोज पहले उन्होंने यहाँ पर बयान दिया कि मैं शरीयत के अंदर लिए मैं बैरिस्टर ओवैसी के साथ खड़ा होना चाहता था, लेकिन मेरा मुंह को बंद कर दिया गया, मेरी पार्टी ने क्या कर रही थी। तो क्या आप मौलाना की बात को नहीं समझे, आपको समझना चाहिए कि मौलाना भी चाहते थे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का साथ कोई दे, और आज आपके पास ऐसा कैंडिडेट है जो बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के साथ खड़ा होकर आपकी आवाज उठाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस मौलाना के प्रोग्राम को भी समझिए, अपनी जरूरत को भी समझिए, अपने मुद्दों को भी समझिए, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की कयादत में आपको निर्माण साहब को यहाँ से कामयाब करके ले दिए, उन्हें अमान में पहुंचाएंगे ताकि आवाज ताकि आपकी आवाज उठा सके, आपको स्कूल दिला सके, आपको यूनिवर्सिटी दिला सके, आपको अस्पतालों में इंतजाम कर सके। मुझे मालूम है यहाँ पर कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ नहीं, आप लोग समझदार लोग हैं, बस जाते जाते मैं आपकी बात यही कह रहा हूँ कि ऐसा जो मौका आपने बनाया है, यहाँ पे जो माहौल बनाया है, हर तरफ कोई एक ही आवाज आ रही है, अक्सर विमान अक्सर विमान अक्सर विमान, जो ऐसा ना हो आज झूठ जाए। 18 तारीख को सबसे पहले उसकी आपको एक ही काम करना है कि आप पोलिंग बूथ पर जाइए और बगल के बटन वाले नहीं था सर बटन दबाइए और इसको वहाँ करके हालात को सुधारने का अनुरोध अदा कीजिए। इसके साथ अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद के साथ कि आप अपना रुझान साहब को यहाँ से काम लेने को देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। साहब जनता की जिंदगी वक्त की किल्लत है और हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम और आपको क्या कर दूसरा